हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्टार क्लासेस। रेलवे की सीधी बात नो बकवास की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। ये इस श्रृंखला का पहला सेशन है और इसमें हमने जैसा कहा, रेलवे की बात सीधी बात नो बकवास मींस आपको सीधे क्वेश्चंस की ओर लेकर के चलते हैं। और इसमें कुछ लोगों का कमेंट आया था कि एरिया से रिलेटेड रेक्टेंगल और जो है पैरेललोग्राम, मतलब एरिया से रिलेटेड के शेष पर कुछ और क्वेश्चंस किए जाएं वैरायटी के, तो उसी की श्रृंखला में कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन जो पूछे जाने की संभावना हो सकती है NTPG में, वो आपको मैं कराने जा रहा हूं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगा हुआ है, चलिए देखते हैं क्या कह रहा है, ट्राई करें आप लोग। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कह रखा एक तार को जब एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है तो उसके द्वारा घिरा क्षेत्रफल 484 सेंटीमीटर होता है। तार द्वारा घिरा क्षेत्रफल क्या होगा यदि इस तार को एक वृत्त के रूप में मोड़ा जाए। बड़ा अच्छा दोस्त कॉन्सेप्ट है। इस टाइप के क्वेश्चन कोई आप फार्मूले पर नहीं कर सकते जब तक आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता होना चाहिए। देखो, ये मेरा मेन टारगेट है क्योंकि रेलवे के क्वेश्चन जो है वैरायटी के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, होती वही चीज़ें हैं लेकिन वो घुमाते रहते हैं थोड़ा इधर उधर, तो ये उसी चीज़ का एक नमूना है आपके सामने। और इनको समझते हैं कैसे करना चाहिए, आप ट्राई करें कॉन्सेप्ट को पकड़ने की कोशिश करें। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बताऊंगा, आगे की आप सारे के सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। दिया है एक तार को जब एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है तो उसके द्वारा घिरा क्षेत्रफल, ये कोई तार है, पहले क्वेश्चन समझिएगा, करा एक कोई तार होगा उसको वर्ग के रूप में मोड़ दिया गया। ये वर्ग मतलब होता है स्क्वायर, इंग्लिश मीडियम वाले वर्ग मीन्स स्क्वायर। ठीक है, इसको स्क्वायर के रूप में मोड़ दिया गया और इसका जो क्षेत्रफल हो रहा है, बता रहा है एरिया जो हो रहा है 484 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो तार द्वारा घिरा क्षेत्रफल क्या होगा यदि इसी तार को एक वृत्त के रूप में, ये जो तार रहा होगा इसको बता रहा है, अगर एक सर्किल के रूप में बना दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। पेपर में ऐसा भी हो सकता है एक ऑप्शन फिर से 484 डाल देता तो सोचते यार तार तो वही है, उतना ही आंसर आना चाहिए। नहीं, कॉन्सेप्ट समझना इसमें क्या होता है। ये जो दोस्त तार है ना, इस तार को आप ये बताओ, तार कॉन्सेप्ट समझना, तार की एक लंबाई होगी। अब तार को चाहे जिस शेप में पकड़े उस तार की लंबाई तो उतनी ही रहेगी, समझना मेरी बात भाई। अगर 3 मीटर तार लंबा है, चाहे उसको ट्रायंगल बना दो, चाहे सर्किल बना दो, चाहे स्क्वायर बना दो, उसकी लंबाई तो उतनी ही रहेगी। मतलब तार का पेरीमीटर नहीं बदलने वाला, कॉन्सेप्ट यहाँ पर जाता है और उसके अकॉर्डिंग फिर क्वेश्चन करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन कहा है तो तार का हमको मतलब पेरीमीटर निकाल लें, तार का क्षेत्रफल दिया कि नहीं, ये वो वर्गाकार है तो वर्गाकार, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है भुजा का स्क्वायर यानी साइड का स्क्वायर, यानी ए बराबर कितना आ जाएगा 22 का स्क्वायर होगा, यानी मतलब 22 आ गया, समझ गए। एक बहुत ही छोटा कॉन्सेप्ट है, यानी वर्ग की एक भुजा कितनी हो गई 22, तो वर्ग की चारों भुजा मतलब पेरीमीटर कितना होगा 22 × 88 क्योंकि 4a हो जाएगा, तो इसका पेरीमीटर आ गया, परिमाप आ गया, वर्ग का परिमाप 88 होगा, यानी तार इतना ही लंबा रहा होगा। अब आपको तार की लंबाई पता चल गई, अब तार उतना ही लंबा है, अब उसको चाहे जैसे घुमाओ उतना ही तो रहेगा, यानी अब उसको जब सर्कुलर वे में घुमाया गया तो सर्कुलर मतलब सर्किल का पेरीमीटर क्या होगा, परिमाप क्या होगा, तो वो क्या होता है आप लोग जानते हैं 2πr होता है दोस्त, 2πr। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, उसकी त्रिज्या निकाल लेंगे, आर निकाल लें। ठीक है, तो आर निकालेंगे यानी 88/2π, 2π, पाई मतलब 22 नीचे और बट्टे वो 7 कहाँ जाएगा ऊपर। ठीक है दोस्त, 22/7 होता है, 22 × 44, 44 × 88, 2 आर यानी कितना आ गया 14 आ गया। अब आपसे दोस्त कहा है क्षेत्रफल बताओ, देखो डायरेक्ट इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ये क्वेश्चंस का फार्मूला भी पता होता है लेकिन कॉन्सेप्ट जरूरी था। अब त्रिज्या पता हो गई, अब आपको चुटकियों में निकालोगे क्या क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर होता है तो पाई मतलब 22/7 और त्रिज्या मतलब 14 × 14, क्लियर हो चुका होगा, सॉल्व कर लिया जाए, 7 × 14। ठीक है, 22 × 44 × 14, 44 × 14 गुणा कर देंगे तो 14 × 56 आंसर लगा 5, 14 × 56 और 5 = 61,
16। ऑप्शन कौन सा आपका आ गया? ऑप्शन नंबर चौथा। कॉन्सेप्ट को पकड़िए, क्वेश्चन रटिए मत। ये क्वेश्चंस देखो अब आपके माइंड को घुमा देंगे। बहुत सारे लोग इन क्वेश्चनों में फंसते होंगे। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, मैं कॉन्सेप्ट फिर से बता रहा हूँ। ऐसे जब कभी भी तार आए कहे कि इस वर्ग में घुमा दिया गया, या त्रिज्या आपको सर्कुलर बना दिया गया, आयताकार बना दिया गया, तो तार की आप लंबाई पकड़ लें और उसके अकॉर्डिंग दूसरा जब शेप बना होगा तो उसकी लंबाई भी उतनी ही रही होगी, फिर आप वहाँ से वो निकाल के सॉल्व कर सकते हैं। चलो एक इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन है। आपको और अच्छा कॉन्सेप्ट समझने के लिए मैंने एक और क्वेश्चन डाला है, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन सेकंड आ चुका है, ठीक है। ये थोड़ा सा दूसरा क्वेश्चन आ गया, एक सेकंड मैं दोबारा क्वेश्चन ले लेता हूँ। जरा सा जी हाँ, ये क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर अब आ चुका है, इसको ट्राई करें एक बार, ठीक है। ये बिल्कुल वैसे ही सेम क्वेश्चन है। एक तार को वर्ग के रूप में मोड़ा गया है, देखो फिर से तार ही वाला है। एक तार को वर्ग के रूप में मोड़ा गया है जिसका क्षेत्रफल 81 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि उसी तार को अर्धवृत्त के रूप में मोड़ा जाए तो अर्धवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। बहुत अच्छा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत शानदार क्वेश्चन है, करने की कोशिश करें। बहुत सारे लोग, मैं ऐसा नहीं कह सकता, लेकिन बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था कि इस पर क्वेश्चन बताना चाहिए, और मैंने एक दिन बताया था। अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं तो फिर आपका कोई देखने का मतलब नहीं बनता है कि पढ़े हैं क्वेश्चन देख रहे हैं, ये फिर पेपर में आ जाएंगे, हो नहीं पाएंगे। इनके प्रॉपर नोट्स बनाओ। चाहे आप अपने मन से सोचें अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, मैंने बताया था। देखो याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा होगा तो आप सही से तैयारी नहीं कर रहे हैं। चलो देखते हैं। एक तार को वर्ग के रूप में मोड़ा गया है, पहले तार को वर्ग के रूप में मोड़ा गया तो उसका आपको बता रखा क्षेत्रफल 81 है, ठीक है। तो वर्ग के रूप में मोड़ा गया, ये इसका क्षेत्रफल 81, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर, यानी 81 हो गया। तो ए बराबर कितना कहोगे आप? 9 कह दोगे, क्लियर हो चुका होगा। अब फिर से मैंने कहा था पहले तार की लंबाई निकालो दोस्त, तार की लंबाई क्या होगी, इसका 4 गुना वर्ग का परिमाप, मतलब कितना हो जाएगी, 36। और यही तार को जब बनाया गया किसमें, अर्धवृत्ताकार में, तो अर्धवृत्त कैसा होगा, ऐसा रहा होगा। तो इसका परिमाप फिर से आप, मैंने कहा था ध्यान देना, ये परिमाप आप 2πr का आधा πr कर दो गलत है, ये πr तो दोस्त इतना ही है, और प्लस ये परिमाप मतलब चारों तरफ की लंबाई प्लस 2r, मतलब कितना हो जाएगा, πr प्लस 2r, क्लियर है। ये परिमाप होता अर्धवृत्त का, ये बिल्कुल याद रखना है आपको, नहीं तो बहुत लोग कन्फ्यूज होते हैं। अब दोनों में r कॉमन मिल जाएगा, पाई प्लस 2 मिल जाएगा, पाई मतलब 22/7 और प्लस का 2 2 = 36। तो r इजिकल टू कितना हो जाएगा, देखो 7 × 14 14 / 22 कितना हुआ, 36। तो 36/36 × 7 ऊपर चला जाएगा, कैंसिल आउट, r कितना आ गया, 7 आ गया, r 7 सेंटीमीटर। तो अर्धवृत्त की त्रिज्या हमको पता चल गई। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, कॉन्सेप्चुअल है, 7 हो गया, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया था कि परिमाप निकालो, परिमाप से जो भी शेप निकालता है उस शेप के बराबर निकालना है, वहाँ से लंबाई चौड़ाई उसकी निकाल के, चाहे एरिया पूछे कुछ पूछे, आराम से निकाल सकते। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे, लाजवाब क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने है, इसको ट्राई करें एक बार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने है, करने की कोशिश करें। दो वर्गों के परिमाप 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर हैं, इन वर्गों के क्षेत्रफल क्षेत्रफलों के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले एक तीसरे वर्ग का परिमाप क्या होगा। दोस्त अगर जो आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ अपने कुछ दोस्तों में शेयर जरूर करें, ठीक है। दो वर्गों के परिमाप बता रखा है 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है, ठीक है। दो वर्गों के परिमाप हैं, अब परिमाप से बताया है, और इन दोनों को वर्गों को बना दिया जाए, जोड़ दिया जाए, इनका क्षेत्रफल बनाया जाएगा, उस क्षेत्रफल को वाला उन दोनों के वर्गों के क्षेत्रफल के बराबर एक तीसरा बनाया गया, उसका परिमाप पूछा है। देखो कैसे घुमा घुमा करके क्वेश्चन बना रहा है, बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, इनको डायरेक्ट नहीं कर पा सकते जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं समझते। तो पहले दो वर्गों का परिमाप 24 और 32 है, तो पहले वाले का अगर जो हम भुजा निकालना चाहें तो 4a1 होगा, मतलब 24 हो जाएगा, तो पहले वाले
वर्ग की भुजा कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। इसी तरह दूसरे वर्ग की भुजा अगर ए टू माने उसको, ये 4 गुना इसका होगा 32, यानी कितना हो जाएगा 8 आएगी भुजा, पता चल गया। अब इन दोनों का क्षेत्रफल अगर निकालें तो ए वन स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 36, और ए टू स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 64। क्लियर हो चुका होगा, यानी दो वर्ग थे और इन दोनों वर्गों का जो क्षेत्रफल है पता चल गया। अब बता इन दोनों वर्गों का क्षेत्रफल जोड़ दो, यानी 3664 कितना हो जाएगा, पहला वर्ग फर्स्ट और सेकंड दोनों का जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 100। तो ये बता रहा है 100 हो गया। अब 100 सेंटीमीटर स्क्वायर वाले क्षेत्रफल एक तीसरा वर्ग बना है, उसका परिमाप बताओ, यानी ये जिसकी भुजा हम मान लेते हैं ए, यानी ए स्क्वायर के बराबर हो गया, तो ए बराबर कितना आ जाएगा 10, यानी जो तीसरा वर्ग था उसकी भुजा कितनी रही होगी 10 रहेगी, उसका परिमाप पूछा है, तो परिमाप कितना इसका 4 गुना, यानी कितना हो जाएगा 40। देखा क्वेश्चन को कैसे घुमा फिरा करके पूछा है, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर कौन सा आया, सेकेंड, लेकिन बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, आपके अब दिमाग काम करेगा इन क्वेश्चन को समझने में, और क्वेश्चन ऐसे आते हैं पेपर्स में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राई करें इसको। एक आयत का परिमाप 160 मीटर है तथा इसकी दो भुजाएं का अंतर 48 मीटर है, वर्ग की भुजा ज्ञात करें कीजिए जिसका क्षेत्रफल इस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। फिर से क्वेश्चन, सब एक शेप से दूसरे शेप में कन्वर्जन हो रहा, जितने भी टाइप के क्वेश्चन हैं आज बिल्कुल सिंपल नहीं है, सारे एक शेप से दूसरे शेप में बनाया जा रहा, उसके बाद क्वेश्चन को करेंगे, ऐसे क्वेश्चन आपको करने चाहिए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। एक आयत का परिमाप 160 मीटर है, ठीक, परिमाप है तो परिमाप 2 times ऑफ एल प्लस बी होता है, यानी अगर जो हम एल और बी निकालना चाहें सिंपली एल और बी भुजाओं का योग, तो हम 80 कर देंगे, 160 को 2 से डिवाइड कर दें, तथा इसकी दो भुजाओं का अंतर दे रखा है, यानी L माइनस बी भी दे रखा है, बहुत आसान क्वेश्चन हो गया, कितना हुआ 48 हो गया। अब वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, ठीक है। अब वर्ग की भुजा ज्ञात करनी है, देखो यानी एक वर्ग बना होगा और इस आयत के क्षेत्रफल के बराबर होगा, तो सबसे पहले एल बी निकालें, तो एल बी यानी इनको एक बार जोड़ोगे तो और एक बार घटाओगे, ठीक है, तो पहली बार L निकालने के लिए एक बार जोड़ दो, बी बी कैंसिल, 2L वाला बार आ जाएगा, तो मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, जब L प्लस बी और L माइनस बी आए, या A प्लस बी A माइनस बी आए, तो एक बार जोड़ देना, 2 से डिवाइड कर देना तो एक वैल्यू मिल जाएगी, एक बार घटा देना 2 से डिवाइड कर देना दूसरी वैल्यू मिल जाएगी, तो 80 और 48 कितना हुआ 128, तो L बराबर कितना हो जाएगा, इसको 2 से डिवाइड कर दोगे सीधे आ जाएगा आपका 64, ठीक है, 128 हो जाएगा और डिवाइड कर दिया, और एक बार बी आएगा तो इसको घटा दोगे, ठीक है, तो घटाओगे तो कितना बच जाएगा 32, और 2 से डिवाइड कर दोगे कितना जाएगा 16। अब आयत का क्षेत्रफल यार क्या होता है, एल बी होता है, तो एल बी यानी 64 × 16 यही क्षेत्रफल रहा होगा आयत का, और ये आयत का क्षेत्रफल किसके बराबर है, एक वर्ग बनाया गया होगा उसके क्षेत्रफल के बराबर है, बताया ना आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, तो वर्ग की भुजा बताओ यार, ये अगर ये वर्ग की भुजा के बराबर है वर्ग के क्षेत्रफल, तो ए स्क्वायर के बराबर होगा, ए स्क्वायर बराबर इतना है, अब डायरेक्ट तुमको बताता हूँ, ठीक है, ए हटा देंगे तो ये वर्ग के स्क्वायर रूट के अंदर जाएगा 64 आ जाएगा, ठीक है, × 16, देखो निकालना सीखो, 16 ये इसको 16 × 4 में कन्वर्ट कर देंगे तो 16 में से एक 16 बाहर आ जाएगा, और 4 में से क्या निकलेगा 2 निकलेगा, तो 16 × 2 = 32 आपका आंसर, ऑप्शन नंबर कौन सा है फर्स्ट, ठीक है, ये कैलकुलेशन भी थोड़ा बहुत सीखना चाहिए आप लोगों को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ग और आयत का क्षेत्रफल बराबर है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी है, ट्राई करें आप लोग, कॉपी पेन लेकर के बैठें और क्वेश्चंस को करें साथ साथ में, केवल देखने से नहीं होगा, रजाई के अंदर बैठे हो। एक वर्ग और आयत का क्षेत्रफल बराबर है, आयत की लंबाई वर्ग की भुजा, वर्ग की किसी भुजा की लंबाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, और इसकी चौड़ाई वर्ग की भुजा से 3 सेंटीमीटर कम है, यानी तो बता रखा आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए,
क्षेत्रफल आपस में बराबर, कोई बात नहीं। तो अगर जो वर्ग का क्षेत्रफल हम भुजा ए मान लें तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाए, ए स्क्वायर हो जाएगा। आयत का क्षेत्रफल आप जानते हो लंबाई गुणे चौड़ाई होती है, ठीक है। तो लंबाई गुणे चौड़ाई, अगर जो लंबाई क्या रखा है इसकी भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक है, यानी हम क्या कह सकते हैं ए प्लस 5 कह सकते हैं सिंपली, और जो चौड़ाई है या 3 सेंटीमीटर कम है हम कह देंगे ए माइनस 3, सिंपल सी बात हो गई। तो ए स्क्वायर इजिकल टू क्या होगा, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा, 5 से 3 गया 2, वो भी प्लस का 2a और माइनस का 15। आप लोग पूरा सॉल्व करके दे चाह कर लेना, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, ठीक है। और जिसको ये कैलकुलेशन नहीं आती है तो मुझे कमेंट में लिखेंगे, मैं उसको कैलकुलेशन भी ये सब बताऊँगा कैसे कराया जाता है। ये ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा तो a बराबर कितना आ जाएगा, 7.5, ठीक है। a बराबर कितना आ जाएगा, 7.5, ये आपका आ चुका है। अब आयत का परिमाप कह रखा है, तो आयत का परिमाप हम जानते हैं 2 टाइम्स ऑफ l प्लस b होता है 2 टाइम्स ऑफ l प्लस b। तो l कितना हो जाएगा, इसमें हम 5 वैल्यू रख देंगे, 7.5 प्लस 5 प्लस b मतलब 7.5। देखो मैं डाइट कर सकता हूँ लेकिन सभी लोग नहीं कर सकते, इसलिए सब कुछ बता रहा हूँ, ये सब छोटी छोटी बातें। तो इसको कर सकते हो, तो यहाँ जब जोड़ोगे तो 7, 5, 12 12.5 प्लस ये घट जाएगा, कितना बच जाएगा, 4.5। तो ये कितना हो जाएगा, 17 × 34 34। ये आपका आयत का परिमाप आ चुका है। बहुत ही आसान वे में आपको ऐसे क्वेश्चंस करने हैं, और इनको कोई लॉजिकल शॉर्ट ट्रिक नहीं कह सकते कि हाँ ट्रिक बताओगे, जब घूमते ढूंढते रहो यूट्यूब पर या किसी टीचर से ट्रिक पता चल जाए, ट्रिक व्रिक कुछ नहीं मिलेगी। यही लॉजिक्स हैं, इनको लॉजिक से ही सॉल्व किया जाता है, और कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे पेपर में। ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं NTPC में, और जिन्होंने ग्रुप डी का भी डाला होगा रेलवे में, उसके लिए भी प्रिपरेशन करने का यही समय है। पेपर जब स्टार्ट होते हैं तब नहीं कर पाओगे, ठीक है। चलो, अगर किसी को लगता है किसी और टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए, अगर किसी की ज़रूरत है, नीड है, तो कमेंट में लिखिएगा, मैं बना दूंगा उसके लिए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको ट्राई करें आप लोग, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसमें आप देखिएगा कैसे करते हैं, इस क्वेश्चन में आप लोग फंस भी सकते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ए किसी आयताकार मैदान को उसके विकर्ण के अनुदिश, ठीक है, ये यहाँ पर जो है अनुदिश है 52 मीटर पर मिनट, स्पीड दिखिए, विकर्ण के अनुदिश 52 मीटर पर मिनट की चाल से चलकर 15 सेकंड में पार करता है। क्वेश्चन को समझें, क्वेश्चन की रीडिंग क्या होती है वो समझें, ठीक है दोस्त। क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन को पहले एक बार ये नहीं लगाने लगे, एक बार अच्छे से एक बार रीड कर लो क्वेश्चन को, तब क्वेश्चन समझ में आता है। ये मान लो मैंने एक आयताकार मैदान बना दिया ABCD, ठीक है, नहीं आ रहा हो तो इधर आराम से देखें, ABCD एक आयताकार मैदान है, इसको विकर्ण के अनुदिश कोई एक व्यक्ति ए है जो चलना स्टार्ट कर देता है, मान लो ए से हम सी की ओर चले यार, तो ये विकर्ण की ओर चल रहा है, कौन ए चल रहा है, और कितनी स्पीड से 52 मीटर पर मिनट की स्पीड पर मिनट है, और कितने सेकंड पार कर देता है, 15 सेकंड। यार तो विकर्ण की लंबाई निकाल सकते हैं डी, और विकर्ण की लंबाई डायगोनल यानी डी क्या होगा, ये जितनी दूरी होगी, दूरी क्या होती है, चाल इंटू समय होती कि नहीं, तो चाल कितना है 52 मीटर पर मिनट, और मीटर पर मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 से भाग दे दिया, पर मिनट नीचे आएगा ना मिनट, इनटू टाइम, टाइम कितना लगा है 15, तो 15 × 60 और 4 × 13, ठीक है। तो ये डी आ गया, डी बराबर कितना आया 13। डी अगर डायगोनल वैसे लेंथ विड्थ में निकाला जाए तो हम कह सकते हैं अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट होता है डी 13। तो यहाँ से हम एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर निकालना चाहें तो हम कह सकते हैं 169। इक्वेशन फर्स्ट, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको समझना, मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसको दोबारा चाहे वीडियो पाँच के करना, ऐसा क्वेश्चन पूछने जाए संभावना बनती है, और पेपर क्योंकि फेज 2 में पेपर हार्ड आने वाले हैं और एडवांस से क्वेश्चन ही आएंगे,
वहीं पेपर हार्ड बनता है, इसको समझना। दोबारा क्या कहता है, एक और व्यक्ति बी है इस मैदान को उसी उसकी भुजाओं के अनुदेश 68 मीटर पर मिनट की चाल से उतने ही समय में पार करता है। यानी एक व्यक्ति है भुजा के अनुदेश, मतलब मान लो ए से चला है, इधर बी आ गया और सी पर पहुंच गया, ऐसे पहुंच गया, या इधर ए से डी गया और फिर सी पहुंच गया। यानी वो कितनी दूरी तय करा, चाहे इधर जाए चाहे इधर से जाए, क्या कहोगे, एल और बी के बराबर, यानी एल प्लस बी, इतनी दूरी तय किया होगा तो एल प्लस बी निकाल लो। एल प्लस बी निकालोगे, एल प्लस बी कितना हो जाएगा, 68 अपान में 60 इंटू टाइम उतना ही लगा है 15, ठीक है, 15 चौके 60 और 4 से उसको काट दिया कितना आ जाएगा 17, यानी एल और प्लस बी बराबर 17, इतना आ गया। और एल बी, तो मैदान का क्षेत्रफल क्या होता है, एल बी होता है, यानी एल और बी अलग अलग निकालो, या तो यहाँ से समझना है, बड़ा अच्छा एक कॉन्स्टेंट बन गया, एल प्लस बी दिया है और एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया है, तो एल बी वैल्यू नहीं निकाल सकते क्या, आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला अप्लाई कर दो, यानी एल प्लस बी का होल स्क्वायर, एल प्लस बी का होल स्क्वायर का आप फार्मूला अप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2LB नहीं होता है, तो L प्लस बी आपको मालूम है 17, 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 289, और L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तुमको मालूम है 169, सबट्रैक्ट कर दो इधर। मैं ये सब डायरेक्ट आपको कैलकुलेशन में बता सकता हूँ, लेकिन पहले इसको समझना ज़रूरी है। तो एल बी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से सबट्रैक्ट करोगे 120 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 60, आपका ऑप्शन नंबर कौन सा आया, चौथा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, देखो कितना बड़ा है और आपने बहुत आसान वे में इसको समझा, ठीक है। यानी आपको थोड़ी सी यहाँ पर अगर देखा जाए अलजबरा की भी नीड पड़ी, ठीक है, इसीलिए कॉन्सेप्ट होते हैं कि छोटी छोटी बातें अलजबरा क्यों ज़्यादा पढ़ते हैं, कहीं पर भी यूज हो जाती है कहीं, तो अलजबरा भी आनी चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री भी आनी चाहिए, कहीं पर भी एडवांस में हर एक चीज़ का सब कहीं एक जगह कंपोजिट करके एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है, ठीक है, उस बात को समझना, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है दोस्त, आज का सेशन आपके लिए यहीं पर समाप्त होता है। अगर दोस्त वीडियो पसंद आया है तो अपने कुछ दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।